दुर्गे देवी नमस्तभ्यम सर्व कामार्थ साधते मम सिद्धिम सिद्धिवा स्वप्ने स्वर्ग प्रदर्श है। जय हो माता रानी भवानी माता रानी के। देखो दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे कब पूछा है, पर्सनली मिलके पूछा है कि घर में लड़ाई झगड़े वगैरह के लिए, तो मैंने उनसे कहा था यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, अगर रविवार तक कहा था तो आज रविवार को मैं वीडियो डाल रहा हूँ। दोस्तों, घर में लड़ाई झगड़ा और टेंशन, मानसिक शांति खो जाना और माथा भारी भारी रहना, सिर घूमता हुआ रहना, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, स्टेशन बहुत अचूक है। याद रखिए, इन सब चीज़ों को विश्वास से करेंगे तो ही सफल होंगी, क्योंकि विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप डॉक्टर की दवाई में तभी सफल हो पाते हैं जब आप विश्वास से उस डॉक्टर की दवाई लेते हैं, अन्यथा आपको दवाई भी सूट नहीं करेगी, चाहे वो दवाई एकदम एक्यूरेट हो, समझ गए ना आप। इसलिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, आप विश्वास कीजिए मेरी चीज़ पर, आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, मैं एक सौम्यकाली मंत्र दे रहा हूँ, और लोग कहते हैं मंत्र तंत्रों से क्या होता है, कई लोग कहते हैं मुझसे, तो भैया जी मैंने बड़े 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 साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान और डॉक्टर फेल होते हुए देखे हैं, वहाँ वो मंत्र काम कर जाते हैं, समझ गए ना, ऐसी जगह पर। और ये प्रत्यक्ष में है कई जगह पर, डॉक्टर भी कई चीज़ों में देख के कह देते हैं कि पता नहीं क्या है इसमें, इसको हमको समझ नहीं आ रहा है, लाखों हज़ारों टेस्ट हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं। आज भी कई केस मेरे पास चल रहे हैं जिसमें लोगों के सारे टेस्ट हो चुके हैं, सब क्लियर है, लेकिन फिर भी उनका इतना भयंकर पीड़ा में रहते हैं वो लोग, पूछो मत। आज भी 2-3 मित्र चल रहे हैं मेरे, एक विकास हैं राजस्थान से, बहुत हैं ऐसे लोग, तो वो सब पीड़ा में चल रहे हैं। और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक उनका इलाज करते हैं, नहीं हो पा रहा सही, कोई चीज़ ऐसी बैठ जाती है। तो मैं एक चीज़ दे रहा हूँ ये शांति के लिए, कि देवी माँ का प्रयोग है शांत वाला, इससे पहले शिव जी का ध्यान कर लें, ओम नमः शिवाय ये वाला मंत्र, और उससे पहले इस मंत्र से पहले, और वैसे मैं ज़्यादातर मंत्रों में बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिया है कि हर मंत्र से पहले ओम का 3 बार जाप कर लें, और वो विधि क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, किस तरह से उसका उच्चारण होगा और किस तरह से उसका संचालन होगा। देखिए एक बार मैं बोल के बताता हूँ आपको। जय माता रानी, जय गणेश जी महाराज की, जय जयकार हो, जय हो। देखिए तो समझिए, ओ सीधी लय होती है, स्पष्ट होती है, उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए, एकदम सीधी वे में चलेगी, उसी तरह इसका प्रभाव होता है। इसको 3-7 बार करने के बाद मन में देखिए कितनी शांति मिलेगी आपको, ये बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष देखने के प्रयोग होते हैं। इसके बाद कोई भी मंत्र उठाना चाहिए तो उस मंत्र में चेतना आ जाती है, आपके अंदर भी ऊर्जा रहेगी। मैं और ढोंगी लोगों की तरह मैं आपको उल्टा सीधा ज्ञान नहीं दूंगा कि ये कर लीजिए ये हो जाएगा, एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है, मेहनत कीजिए, मेहनत, इच्छा शक्ति मजबूत बनाइए, अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दीजिए। हमारे कोई ऋषि मुनि और ये सब कोई पागल नहीं थे, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे गए, विज्ञान अभी तक नहीं पहुँच पाया उन चीज़ों तक, ब्रह्मांड की सारी चीज़ें लिख के रख गए आज से 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, वो अभी तक विज्ञान उसमें अभी तक उलझा पड़ा है। इसीलिए हमारे ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, संसार पर राज करने वाले हैं हम हिंदुस्तानी। तो मंत्र आपको दे रहा हूँ, समझिए इसको और करिए। मंत्र कुछ इस तरह से है, ओम कली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। कली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते, यह मंत्र है, आप इसे करें, एक माला रोज करें जहाँ तक हो सके, और नहीं तो 11-21 तो करें ही करें। अब इस मंत्र का लाभ बता देता हूँ आपको, अगर आपके घर में किसी को मानसिक पीड़ा है, टेंशन है, तो इस मंत्र को पढ़ के उसको पानी में थोड़ा सा फूंक मार के उसको पिला दें, और धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों में उसकी पीड़ा ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। दूसरी बात, ये किसी भी रोगी को पिला सकते हो आप, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर किसी के ऊपर भूत व्याधा या प्रेत व्याधा नेगेटिव एनर्जी है, तो ये पानी पिलाने पर हो सकता है उसको थोड़े समय तक पीड़ा हो जाए, बढ़ जाए पीड़ा, क्योंकि क्या होता है वो मतलब एनर्जी है ना अंदर शरीर में बेचैन हो जाती है इस मंत्र से, क्योंकि आदमियों के महाराज गलत प्रयोग बता दिया, तो मैं पहले ही समझा देता हूँ इस चीज़ को आपको। कुछ प्रयोग ऐसे देखे मैंने जिनको करने से नेगेटिव एनर्जी चिड़चिड़ी हो जाती है, वो ताकतवर होती है तो, और वो आदमी को परेशान कर देती है, तो उन चीज़ों में ध्यान रखें इसका।
इसको करके, और अगर किसी बच्ची को नज़र लग गई आपके घर में तो इसकी एक माला करके और उसके ऊपर से नींबू उतार करके और दरवाजे पर रख के काट दीजिए, नज़र उतर जाएगी उसकी। या इसको पढ़ करके उसके कंधे पर यूँ करके 3 बार हाथ मार दीजिए, नज़र हट जाएगी। देख लीजिए कैसा चमत्कारी फील होगा। मित्रों मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं हनुमान जी की कृपा से अगर मेरे पास कोई परेशान ज़्यादा व्यक्ति होता है तो मैं उसको खाली इतना ही करता हूँ, बस हो जा सही, बस जय माता रानी की। यही तो है ताकत भगवान की।